मैं हूँ कोटी अमित कनपुरिया और आज हम आए हैं जयपुरिया स्कूल के पास जो कि कैंट में स्थित है। और यहाँ से मैं गुजर ही रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल हैं जो कि शिकंजी काफ़ी अच्छी बेचते हैं, तो आज हम इनके पास चलेंगे और एक ग्लास शिकंजी पी के देखते हैं कैसे बनाते हैं शिकंजी, उसका पूरा प्रोसेस हम देखेंगे और शिकंजी को पीकर उसका टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आइए इनसे मिलते हैं और इनका नाम जानते हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद जी नाम। बहुत ही अच्छा, आप लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप हमको एक ग्लास शिकंजी बना के खिलाइए, देखते हैं कैसे बन रही शिकंजी, इसका पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। ये आपने क्या डाला है इसमें? इसको ये चीनी का घोल है, ठीक है। ये आपका चीनी का घोल हो गया है। ये मसाला किस तरह का है? ये इसमें क्या क्या मिला हुआ है? अच्छा, और ये क्या है? ये नमक है, ठीक है, कंपनी का नमक है, सब कंपनी, ठीक है। जंजीरा भी कंपनी, अच्छा गोल्डी वालों का जंजीरा है, ठीक है। ये नींबू आप काट रहे हैं, तो फिर अंकल पूरा नींबू डालते हैं या आधा? पूरा, पूरा नींबू डालते हैं एक बार में जी। बहुत बढ़िया, ये देख रहे हैं एक झटके में इन्होंने पूरा नींबू एकदम निचोड़ के रख दिया है यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं। अब ये देखिए बर्फ निकाला है इन्होंने, ये इनकी मशीन है एक तरह की जिससे लोग बर्फ क्रश करते हैं। और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से बर्फ क्रश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया इन्होंने। और ये इसमें मिला दिया है थोड़ा डाल के, बहुत ही बढ़िया। तो इसका नाम हो गया शिकंजी गोडा। ये इसको पूरी तरह से मिला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। आप अभी आइए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा बना है। बहुत ही अच्छा, आप ये देख सकते हैं ये शिकंजी बनी है। अगर आप कानपुर में रहते हैं और इस वक्त जयपुरिया से गुजर रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ और यहाँ अंकल की शिकंजी पीते, अपना गर्मियों के मौसम का मजा उठाएँ।